चाहिए। सबसे जरूरी है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जो मतलब कानून बनाए गए थे उनका जन जन तक पहुंचाना, उनका लाभ जनता को पहुंचना चाहिए। जो लाइन के अंतिम कतार में बैठा है, हमारे समाज का जो अंतिम आदमी है, उसका लाभ, विकास के लाभ उस आदमी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, इसलिए स्वराज इंडिया पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर लड़कर आपके सामने विकल्प प्रस्तुत कर रही है व्यवस्था परिवर्तन का। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से तीन मतलब प्रत्याशी उतरेंगे, कोसली से, बावल से और रेवाड़ी से। रेवाड़ी से हमारी बहन मंजू बालाजी उतर रही है, स्वराज इंडिया पार्टी की प्रत्याशी। सीटें हमारी पार्टी का निशान है। मैं आप सब भाइयों से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ सबको कि जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी हमारे समाज का सच्चा विकास होगा और भीम अम्बेडकर जी के सपने पूरे होंगे। इसलिए आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों, एक हो जाओ। एकता में बड़ा बल है। जब तक हम एक नहीं होंगे व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा नहीं होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें अपनी मुट्ठी बांधकर अपने हकों के लिए लड़ना आना चाहिए, सीखना चाहिए और हमें एक होना जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्दों में कहना चाहूंगी, आज दो पर्व है, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। तो भाइयों, मैं कहती हूँ मंजू बहन की रक्षा करना, उसको बचाए रखना। आज राखी के त्योहार पर आपके गांव में ये पधारी हैं, इस गांव से मतलब इनकी रक्षा करना, ये वादा करना, आप अपने मन में ये संकल्प लेना कि इस गांव से मंजू बालाजी को जिता कर भेजेंगे। धन्यवाद।